हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्लाइडर गेट बनता कैसे है और उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा वीडियो है। इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे तीन वीडियो एक साथ चल रही है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं रिवाइंड कर करके कि कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है। इस गेट में CNC है और इस स्लाइडर गेट के अंदर एक छोटा गेट भी है। तो ये गेट कम्प्लीट होके कुछ लगभग ऐसा दिखने वाला है, ये आप देख रहे हैं। ये गेट अब होने वाला है इंस्टॉल, तो इसके लिए हम साइट पे चलते हैं। साइट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारी ये मिस्त्री भैया जो हैं वो लेवल देख लेंगे, वाटर लेवल जिसको हम स्प्रिट लेवल भी बोलते हैं, उसके हेल्प से लेवल को हम पहले बराबर कर लेंगे। लेवल करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि गेट का ढाल किसी भी एक साइड ना हो के बिल्कुल 180 डिग्री पे हो, ताकि गेट अपने आप बंद या अपने आप खुल ना जाए। तो इसके लिए हम उसका लेवल को बराबर रखते हैं। लेवलिंग होने के बाद सबसे पहले हम फाउंडेशन तैयार करेंगे अपने ट्रैक के लिए, क्योंकि ये नए घर का कंस्ट्रक्शन है, मिट्टी नरम है जो बाद में चल के लेवल बिगाड़ सकती है। तो हम 5 से 6 जगह यहाँ पे फाउंडेशन को तैयार करेंगे, जिससे हमारे ट्रैक को एक स्टेबिलिटी मिलेगा, क्योंकि हमारा गेट लगभग 1.5 क्विंटल का है और अगर मिट्टी नरम हुई तो ट्रैक दब भी सकता है। ट्रैक पे कुछ एक्सटेंडेड पीस को वेल्ड करेंगे ताकि ये जब सीमेंट से जाम हो तो बिल्कुल फिक्स हो जाए और हिले भी लेना। इसके बाद हम रोलर इंस्टॉल करेंगे जो गेट को स्लाइड करने में हेल्प करता है और उसको होल्ड करके भी रखता है। तो फाइनली हमारा गेट इंस्टॉल हो गया है और ये फर्स्ट टाइम हम डेमो चेक कर रहे हैं कि अभी कोई इशू तो नहीं आ रहा है, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, बिल्कुल स्लाइटली हल्के हाथों से खुल भी जा रहा है, बंद भी हो जा रहा है। इसके अंदर एक छोटा गेट भी है, वो उसका हाइट 6 फीट का है, तो कोई भी नॉर्मल पर्सन अंदर बाहर होने के लिए पूरे गेट को खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो इस छोटे गेट के हेल्प से ही अंदर बाहर हो सकता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।